बाबा मैं तो कभी पूछा भी नहीं था इस भाईगिरी का लाइन में आने का। मेरे को तो बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक। सुनील गावस्कर का माफिक क्रिकेटर बनने का था मेरे को। डे नाइट बहुत प्रैक्टिस करता था तभी मैं क्रिकेट का। बाद में ये शौक छोड़ दिया? नहीं बाबा मैं छोड़ा नहीं, छोड़ना पड़ गया। क्यों ऐसा क्यों बाबा? तब मैं छोटा था ना 13-14 साल का, तो बाबा का हाथ मेरे सर से उठ गया तो मोहल्ले का छोकरा लोग मेरे को एकदम कमजोर समझने लगा। कोई भी टपली मारने जाता था मैं। एक दिन एक छोकरे के साथ में सॉलिड लफड़ा हुआ मैं। अरे मैं उसका बैट से ऐसा धुलाई किया ना, ऐसा धुलाई किया कि वो दिन और आज का दिन है कोई साला आंख उड़ा के नहीं देखता मेरे को। अरे हाँ प्रकाश, अरे मेरा भी एक बार झगड़ा हुआ था जब मैं छोटा था। तब हम लोग इलाहाबाद में रहते थे। तभी आपने बजाया उसको? अरे सुनो तो, वो क्या है स्कूल में कि बेंच पर पहले कौन बैठेगा, इस बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया। अरे उसने मुझे इस बात पर धक्का दे के नीचे गिरा दिया। फिर आपने सॉलिड धुलाई किया ना उसका? पहले सुन तो लो, जैसे उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिराया मैंने तेजी से उठकर उसे पीछे से पकड़ लिया। सच? फिर बजाया उसको? अरे मैं करता, ये करता मैं, लेकिन वो भाग गया ना, लेकिन मैंने उसकी शर्ट फाड़ दी। हाँ बजाने का था ना कान के नीचे सन से। हाँ मैं। अरे आ गए राहुल? सो गया? हाँ बेटा लो सो गया, इसे ले जाकर सुला दो। और हाँ अपनी माँ से कहो कि वो भी सो जाए और प्रकाश की माई को भी सोने दे। शाम से देख रहा हूँ बक 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 किए जा रही है, खुद तो जागेगी जागेगी। हाँ इसकी माँ को भी जगाएगी, परेशान करेगी। नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी सब लोग 2 बजे तक जागते रहते हैं, देर रात तक गप्पे मारते रहते हैं, अब आदत हो गई है इसकी। ये लोग भी बिल्कुल हमारी तरह ही है ना। जूही। हेलो मैम। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। याद है इसी जगह तुमने एक बार कहा था कि मैं बहुत अट्रैक्टिव लग रही हूँ? आज तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो। थैंक यू मैम। खास करके ये लिपस्टिक तुम पर बहुत जच रहा है। थैंक यू। इनफैक्ट बात ये है कि मैं रिमोट एरिया से आई हूँ, सब लोग मुझे गाँवकी कहते थे इसीलिए बस। जानती हूँ मेरी एक बेटी थी, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने जवान होते हुए देखा। जब लड़की पहली बार लिपस्टिक लगाती है तो मैं जानती हूँ उसके दिल में क्या उम्मीदें होती हैं। वैसे ये ड्रेस बहुत महंगा पहना है तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है। सच्ची या मुझे बहलाने के लिए कह रही हो? नहीं मैम सच्ची अच्छी चल रही है। और क्या बात है, आजकल तुम आर्यन और उर्मिला के साथ ज्यादा नजर आ रही हो। नहीं मैम, बात यह है कि वो लोग मेरे इकोनॉमी से बहुत हेल्प कर रहे हैं, इसलिए वो लोग बहुत अच्छे हैं। चलो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो लोग अच्छे हैं। याद है तुमने एक बार उनके खिलाफ रिपोर्ट किया था? यस मैम, लेकिन अब वो बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छी बात है। एक बात याद रखना, तुम अपनी पर्सनालिटी को खोने मत देना। सुनो अपना ख्याल रखना, खासकर अपने माता पिता का, जो यकीन के साथ विश्वास के साथ तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। मैं नहीं चाहती कि एक और लड़की मोना बने।